नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। किसान तो बहाना है, क्या चुनावों को बनाना है? ऐसे तमाम सवाल जो हैं वो सामने आ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त अगर बात की जाए तो देश में सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का है। कल किसानों ने मुजफ्फरनगर में महापंचायत की। महापंचायत में हालांकि कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन ये जरूर कहा गया है कि आने वाले समय में भारत बंद का आह्वान किसान कर सकते हैं। दरअसल मुजफ्फरनगर में हुए महापंचायत चुनाव के चलते उत्तराखंड में भी किसान इस महापंचायत में शामिल हुए। इसी बीच किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की तरफ से की गई परिवर्तन यात्रा में किसानों को गुमराह करके बुलाया गया था कि किसानों की बैठक होगी। किसानों को कहा गया था कि किसान अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली सहित परिवर्तन यात्रा में पहुंचे, भारी मात्रा में किसान पहुंचे, लेकिन किसानों के साथ कोई बैठक नहीं हुई। वक्ताओं ने कहा कि भारतीय किसान यूनियन गैर राजनीतिक संगठन है, परिवर्तन यात्रा में किसानों को गुमराह किया गया, जिसका लगातार वो विरोध करते रहे। वक्ताओं का कहना है कि जिस तरह परिवर्तन यात्रा में किसानों को कुछ नेताओं की तरफ से छलने का काम किया गया, अगर आगे ऐसा होता है तो किसान इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। तो महापंचायतों का दौर लगातार जारी है, किसान लगातार यात्राएं निकाल रहे हैं, लेकिन इसमें राजनीति सबसे ज्यादा निकलकर सामने आ रही है। जो इस आंदोलन का राजनीतिकरण हो रहा है वो विपक्ष लगातार करता हुआ नजर आ रहा है। सितारगंज से कुछ किसान जो हैं वो सामने आए और विरोध करने लगे। दरअसल उन्होंने आरोप लगाया है कि ये जो परिवर्तन यात्रा निकाली गई थी कांग्रेस की तरफ से, उसमें किसानों को गुमराह किया गया। इस परिवर्तन यात्रा में किसानों के साथ ये कहा गया था कि उनके साथ चर्चा होगी, बैठक होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि अपने सिर्फ राजनीतिक द्वेष के लिए ये पूरा दाव यहाँ पर कांग्रेस ने खेला था। तो सितारगंज से खबर सामने आई है जहां पर किसानों के साथ कोई बैठक नहीं हुई, जिससे नाराज किसान जो है वो यहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं, नारेबाजी करते हुए नजर आए हैं। सितारगंज से खबर सामने आ रही। दरअसल किसानों का ये मुद्दा ऐसा है, हर कोई बुनाने की कोशिश कर रहा है। जहां बीजेपी ये कहती है कि जो विपक्ष है वो अब किसानों को बरगलाने की कोशिश कर रहा है, तो विपक्ष ये कहता है कि जो सरकार है वो किसानों की नहीं सुन रही है, किसानों की नहीं मान रही है। ऐसे तमाम चीजें जो हैं वो इस किसान आंदोलन से निकलती हुई सामने आ रही है। आने वाले साल में यानी 2022 की मैं बात करूं तो तमाम राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, कई राज्य ऐसे हैं जहां पर स्थानीय चुनाव होने हैं। ऐसे में इस किसान आंदोलन को सबसे ऊपर रखा गया है। जी हाँ, किसान अन्नदाता है, और अगर अन्नदाता नाराज होता है तो जिस तरह से कल राकेश टिकैत कह रहे थे कि सरकार को वोट की चोट जरूरी है, तो इस शब्द को बार बार देखा जा रहा है कि वाकई क्या किसान ऐसा कर सकते हैं, और अगर किसान ऐसा करते हैं तो किसी भी पार्टी को बड़ा नुकसान भुगतना पड़ सकता है। सितारगंज से खबर सामने आई जहां पर परिवर्तन यात्रा में किसान नेताओं को गुमराह करने की कोशिश की गई है, ऐसा किसानों की तरफ से कहा जा रहा है। दरअसल कांग्रेस ने यहां पे दो दिन पहले परिवर्तन यात्रा निकाली थी, लेकिन किसानों को वहां पर आने के लिए निमंत्रित किया गया था और कहा गया था कि वो भारी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली लेके पहुंचे। किसान वहां पहुंचे भी, लेकिन किसानों की बात वहां नहीं हो पाई। इससे किसान नाराज हो गए। किसान ये कह रहे हैं कि सभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो सिर्फ अपना फायदा देख रही है, किसानों का फायदा या किसानों को जो नुकसान हो रहा है उस तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। सिर्फ राजनीतिक पार्टियां अपने बारे में सोच रही है, किसानों के बारे में कोई सोचता हुआ नजर नहीं आ रहा है। रणधीर सिंह किसान नेता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रणधीर जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। रणधीर जी, ये जो पूरा मामला है सितारगंज का, जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है कि परिवर्तन यात्रा यहां पर कांग्रेस की तरफ से निकाली गई, परिवर्तन यात्रा के नाम पर किसानों को गुमराह किया गया है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि किसान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है, जो ये विपक्ष ने जो परिवर्तन यात्रा निकाली कांग्रेस पार्टी ने, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। हमें यह है कि विपक्ष किसानों की आवाज नहीं उठा रहा है। परिवर्तन यात्रा किस चीज की है? काय की परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं? अभी कोई चुनाव थोड़ी चल रहा है, अभी कोई चुनाव थोड़ी चल रहा है। विपक्ष को चाहिए था किसानों की आवाज उठाना, किसानों की आवाज तो विपक्ष उठा नहीं रहा है। और अभी ये जो थोड़ी बहुत जानती है विपक्ष में, ये किसान आंदोलन की वजह से आई है, किसानों की वजह से आई, नहीं तो कहा विपक्ष ढूंढने से दिख रहा है भी। जो ये परिवर्तन यात्रा वाली परिवर्तन यात्रा, वो पता था कि 5 तारीख को महापंचायत है,
जहाँ भी परिवर्तन यात्रा जहाँ जहाँ भी निकाल रहे हो, आप लोगों किसानों के लिए भी अपील करनी, पंचायत में भारी से भारी संख्या में पहुंचना चाहिए। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सिर्फ राजनीतिक पार्टियां अपना हित को देखती हैं सिर्फ, और इन्हें किसानों से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ ये अपना वोट बैंक देखती है कि हाँ हम किसानों के साथ हैं, किसानों के साथ कोई पार्टी अपनी लड़ाई खुद लड़ता है। बिल्कुल रणधीर जी, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। तो सितारगंज से परिवर्तन यात्रा में किसान नेताओं को गुमराह करने की कोशिश की गई, ऐसा किसानों की तरफ से आरोप लगातार लगाया जा रहा है। दरअसल किसानों का ये कहना है कि जब यहाँ पर चुनाव अभी नहीं है तो परिवर्तन यात्रा आखिर क्यों निकाली गई है, क्यों ऐसा किया गया, क्यों किसानों को गुमराह किया गया, क्यों किसानों की आवाज नहीं उठाई गई। इस वक्त किसान जो है लगातार आंदोलन कर रहे हैं पिछले कई महीनों से, तो ऐसे में विपक्ष को ये चाहिए कि वो किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें, किसानों के हित में सोचे, ना कि सिर्फ इसका राजनीतिकरण करते हुए नजर आए। कांग्रेस ने रविवार को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुई किसान पंचायत के समर्थन में आवाज उठाई है। पार्टी के नेता राहुल गांधी ने इस कार्यक्रम की तस्वीर शेयर कर ट्वीट करते हुए लिखा, गूंज रही है सत्य की पुकार, तुमने सुनना होगा अन्यायी सरकार। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी किसान महापंचायत के समर्थन में ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि किसान इस देश की आवाज है, किसान देश का गौरव है, किसानों के हुंकार के सामने किसी भी सत्ता का अहंकार नहीं चलता। खेती किसानी को बचाने और अपनी मेहनत का हक मांगने की लड़ाई में पूरा देश किसानों के साथ खड़ा हुआ है। तो कल उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में लाखों की संख्या में किसान पहुंचे, महापंचायत का आयोजन किया गया और जिसके समर्थन में कांग्रेस भी नजर आई है। जहां एक तरफ तमाम विपक्षी दल ट्वीट करके इस किसान महापंचायत की तस्वीरें पोस्ट कर रहा है, तो वहीं राहुल गांधी भी पीछे नहीं हटे हैं। राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट किया और लिखा, तुम्हें सुनना होगा अन्यायी सरकार। आपको बता दें कि जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है तब से ही कांग्रेस जो है इस मुद्दे को बढ़ाने की पुरजोर कोशिश कर रही है, चाहे वो दिल्ली में हो या फिर बात अगर कल की महापंचायत की हम कर लें। कल की महापंचायत में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है किसानों की तरफ से, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि ये जो किसान आंदोलन है वो अभी खत्म होने वाला नहीं है। ना तो सरकार पीछे हट रही है ना किसान पीछे हट रहे हैं। किसानों के सीधे तौर पर मांगे हैं कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएं, एमएसपी पर कानून बनना चाहिए, स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है वो वापस से लागू होनी चाहिए। इसके अलावा जो उनके ऊपर पराली जलाने को लेकर केस दर्ज है देश भर में वो भी हटने चाहिए। इसके अलावा और भी तमाम मांगे हैं, लेकिन सरकार कहती है कि वो संशोधन के लिए तैयार है, लेकिन ये कृषि कानून वापस नहीं होंगे किसी भी हालत में, क्योंकि कृषि कानून किसानों के हित में है। लेकिन किसानों का कहना है कि सिर्फ सरकार जो है हर चीज का निजीकरण करना चाहती है, अब किसानों का भी वो निजीकरण करने की कोशिश कर रही है। किसान लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका फायदा विपक्ष उठाता हुआ भी नजर आ रहा है। ये ट्वीट आप देख सकते हैं, चाहे प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी, दोनों ने इसकी तस्वीर ट्वीट की है और उसके साथ कैप्शन में भी लिखा है कि सरकार पूरी तरह से अन्याय कर रही है, सरकार को अब सुनना ही होगा। वही किसानों से इतर अगर बात कोरोना संकट की करें तो भारत में अब भी कोरोना संकट बरकरार है। हर दिन करीब 40,000 मामले बढ़ रहे हैं, जो चिंता का विषय है। आज सुबह अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ताजा आंकड़े जारी किए गए हैं। मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 38,000 से ज्यादा नए कोरोना केस सामने आए। वहीं पिछले 24 घंटों में 219 कोरोना संक्रमितों की जान चली गई है। 43,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि 5,174 एक्टिव केस कम हो गए हैं। इससे पहले देश में लगातार 5 दिन 40,000 से ज्यादा कोरोना मामले सामने आए थे। मंगलवार को 41,000 से ज्यादा, बुधवार को 47,000 से ज्यादा, वहीं अगर बीते गुरुवार की हम बात करें तो 45,000 से ज्यादा मामले सामने आए। शुक्रवार को 42,000 से ज्यादा, शनिवार को भी 42,000 से ज्यादा केसेस सामने आए थे। ये डरा रहे हैं आंकड़े। तीसरी लहर अभी पूरी तरह से नहीं आई है, लेकिन दूसरी लहर अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुए है और इसी असमंजस में लोग फंसे हुए हैं और लोग लापरवाह होते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। कई राज्यों ने एक बार फिर से
सख्ताई शुरू कर दिया और आने वाले समय में अगर ऐसे ही मामले बढ़ते रहे तो आगे बड़े एक्शंस जो हैं वो लिए जा सकते हैं। दरअसल कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 3,30,27,000 लोग संक्रमित हुए हैं। इनमें से 4,44,752 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब तक 3,21,81,000 लोग ठीक हुए हैं। देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या 4 लाख से ज्यादा है। कुल 4,04,000 से ज्यादा लोग अब भी कोरोना वायरस से संक्रमित है जिनका इलाज जारी है और अकेले केरल में लगातार मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर पूरे देश की हम बात करें तो पूरे देश से मामले कम आ रहे हैं, लेकिन अकेले केरल से ही 25,000-30,000 मामले रोजाना सामने आ रहे हैं, यानी कि केरल में और ज्यादा सख्ताई की जरूरत है। केरल में वीकेंड लॉकडाउन तो है, लेकिन लोग फिर भी लापरवाह हो रहे हैं। पीलीभीत में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के 127 विधानसभा कार्यालय पर 127 शहर विधानसभा के भावी प्रत्याशी और पार्टी के प्रदेश सचिव शोएब खान के नेतृत्व में अल्पसंख्यक सभा के जिलाध्यक्ष तस्सीम सिंह ने अपनी अल्पसंख्यक की जिला कार्यकारिणी घोषित की है। आपको बता दें कि कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय सचिव व युवजन सभा के सैयद ओवैसी अली ने किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान शोएब खान ने अपने विचार रखे और कार्यकर्ताओं में जोश भरा है। इसके अलावा सभी पदाधिकारियों से पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाते हुए 2022 के चुनाव में लगने का आह्वान भी किया गया है। तो 2022 को लेकर तमाम पार्टियां पूरी तरह से तैयारी कर चुकी है। वहीं पीलीभीत में जिला कार्यकारिणी की बैठक हुई और इस बैठक में तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे और कार्यकर्ताओं में जोश भी भरा गया है। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ आकर हमारी मजबूती जाहिर की। आज प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा की जिला कार्यकारिणी की घोषणा की गई है, जिसमें पूरे जिले से और खासकर पीलीभीत विधानसभा से मजबूत लोगों को जोड़कर लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन्हें मनोनीत किया गया है। जहां देश में कोरोना की तीसरी लहर का संकेत मिल चुका है, वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक सभी की चिंताएं बढ़ रही हैं। आपको बता दें कि गोंडा में भी तीसरी लहर को लेकर जिला प्रशासन से लेकर स्वास्थ्य महकमे के आला अधिकारी तीसरी लहर से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग को बेहतर करने में जुट गए हैं। मुख्य विकास अधिकारी शशांक त्रिपाठी ने कहा है कि जिला अस्पताल में जहां एक ऑक्सीजन प्लांट थे, वहीं अब 3 ऑक्सीजन प्लांट का काम चल रहा है। दूसरी वेव में ऑक्सीजन प्लांट मात्र एक था, ऐसे में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राधेश्याम का भी कहना था कि 2 ऑक्सीजन प्लांट तैयार हो गए हैं, वहीं तीसरा ऑक्सीजन प्लांट जिसकी क्षमता 1500 है वो भी लगभग तैयारी के करीब पहुंच गया है। तो गोंडा का ही पूरा मामला, जहां पर तीसरी लहर से निपटने को लेकर स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है, 3 ऑक्सीजन प्लांट का काम चल रहा है। वहीं यहां पर अगर बात की जाए मुख्य विकास अधिकारी की, तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जब दूसरी वेव आई थी, जब हालात बद से बदतर थे, तब यहाँ सिर्फ एक ही ऑक्सीजन प्लांट था, लेकिन अब तीसरी वेव की आशंका के चलते यहाँ पर 3 ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं। अगर थर्ड वेव आती है तो फिर स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से तैयार है और यहाँ पर जितनी भी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उन्हें भी दुरुस्त लगातार किया जा रहा है। निरीक्षण करने कैसे आए हैं, किस तरह का निरीक्षण? जैसा कि आपको संज्ञान में होगा कि कोविड की थर्ड वेव की संभावना जताई जा रही है कि कभी भी आ सकती है, तो उस संबंध में ऑक्सीजन प्लांट्स कई सारे यहां पर लगने थे, तो उसके निरीक्षण के लिए आए हुए थे कि काम कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। और उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि काम ठीक चल रहा है। यहाँ पर हमारे यहाँ जिला अस्पताल गोंडा में 3 ऑक्सीजन प्लांट पर काम चल रहा है अभी, जिसमें से एक CSR के माध्यम से हमको प्राप्त हुआ है, एक्सेंचर कंपनी से SOCHM के माध्यम से 500 LPM का प्लांट। तो उसके इंजीनियर्स यहाँ पर आए हुए हैं और उसके प्लेसमेंट करा रहे हैं और मुझे लगता है कि 3 दिन में इसका पूरा काम 3 से 4 दिन में हो जाएगा। और बड़ी अच्छी बात है कि हमारे गोंडा जनपद में 500 LPM का एक प्लांट चलने लगेगा। कट्टरपंथी अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के निधन के बाद चौथे दिन रविवार को शाम 5 बजे के बाद कश्मीर में प्रतिबंधों में ढील दे दी गई, लेकिन सुरक्षा बलों की तैनाती जारी रही। इस बीच सरकार ने आदेश जारी कर कहा कि घाटी में 6 सितंबर को शाम 5 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवा
ठप रहेगी। गृह सचिव की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि खुफिया रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान की ओर से मोबाइल इंटरनेट का इस्तेमाल कर गड़बड़ी फैलाई जा सकती है। घाटी में लोगों के आने जाने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन अलगाववादी नेता के लिए शोक के चौथे दिन के मद्देनजर कई इलाकों में सड़कों पर अवरोध लगे हुए हैं। खासकर हैदरपुरा में गिलानी की आवाज तक जाने वाली सड़कों को सील रखा गया है। तो कश्मीर में आज मोबाइल इंटरनेट सेवा पूरी तरह से ठप रही, लेकिन कुछ पाबंदियां जरूर हटाई गई हैं। तो मोबाइल इंटरनेट सेवा आज करीब शाम 6 बजे तक बंद रहेगी। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर ये तमाम चीजें की जा रही हैं। दरअसल कट्टरपंथी अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के निधन के बाद चौथे दिन रविवार को शाम 5 बजे के बाद कश्मीर में प्रतिबंधों में हल्की सी ढील दे दी गई थी, लेकिन सुरक्षा बलों की तैनाती जारी थी। सरकार ने आदेश जारी कहा कि घाटी में 6 सितंबर को शाम 5 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवा पूरी तरह से ठप रहेगी। गृह सचिव की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि खुफिया रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान की ओर से मोबाइल इंटरनेट का इस्तेमाल कर गड़बड़ी फैलाई जा रही है, ऐसे में रोक लगाई गई है। तमाम सड़कों पर भी अवरोधक लगे हुए थे। खनन और स्टोनो क्रशरों को लेकर हमेशा विवादों में रहने वाली बेहट तहसील एक बार फिर चर्चा में है। 132 के लैंड पर स्टोन क्रशर लगवाने, जमीन को बेच रास्ता बनाने और अवैध खनन करने का मामला सामने आया है। पीड़ित की तरफ से शिकायत करने के बावजूद कार्रवाई नहीं की जा रही। पीड़ित ने सूबे के मुख्यमंत्री से मामले को लेकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि स्टोन क्रशर यमुना नदी की जमीन यानी कि धारा 132 के लैंड पर लगाया गया है, जबकि गांव आलमपुर आदमपुर के कुछ लोगों ने मिलीभगत कर 132 के लैंड को स्टोन क्रशर स्वामी को रास्ते के लिए बेच दिया, जिस पर स्टोन क्रशर पर आने जाने वाले वाहनों के लिए रास्ता बनाया गया है। आरोप यह भी है कि माफिया रात के अंधेरे में भूमि से अवैध खनन करते हैं, जिससे राजस्व को भी लाखों का नुकसान हो रहा है। सहारनपुर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक बार फिर अवैध खनन का मामला सामने आया है। शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आपको बता दें कि योगी सरकार अवैध खनन को लेकर पूरी तरह से सख्ताई रखती है और करीब तमाम ऐसे खनन माफिया हैं जिनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ पुलिस कर्मियों के मिलीभगत की वजह से ये जो गोरख धंधे हैं वो फल फूल रहे हैं। माफियाओं में जरा भी कानून का खौफ नजर नहीं आता है और नदियां जो हैं वो भी पूरी तरह से गड्ढों में तब्दील हो गई हैं और जंगलों में भी अवैध खनन लगातार किया जा रहा है। शिकायतकर्ता लगातार शिकायत लेकर पहुँच रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई कहीं भी नहीं हो रही है। एक तो जिस जगह पर हम खड़े हैं, जो मुझे आपसे पेपर दिखाए हैं अभी, इन पेपरों में एक पेपर तो है मुख्यमंत्री के यहाँ जो हमने दे रखा है, एक मंडल आयुक्त के यहाँ दे रखा है। ये रास्ता है ग्राम समाज का, कुछ आदमियों ने ग्राम समाज में ने रास्ता देकर और क्रेशर चलता करवा दिया। क्रेशर वालों पाते रास्ते के बीच में पैसे लिए हैं और ये सारी की सारी उसकी धारा 32 लैंड की हैं पट्टे, इन में सारों पर ये लोग काबिज हो चुके हैं सर। और इनकी शिकायत हमने मुख्यमंत्री के यहाँ भी करा ली, मंडल आयुक्त के यहाँ कर दी, डीएम साहब के यहाँ कर दी, पटवारी से हमने इसका लिख कर दे दिया, सारा का सारा ये मैटर है, ये और कोई मैटर नहीं। इसमें अभी पूरा प्रकरण तो अभी मेरे संज्ञान में नहीं है, क्योंकि अभी इसकी जांच होने के बाद ही कुछ स्पष्ट कह पाना उचित होगा। हाँ, ये शिकायत अवश्य मेरे संज्ञान में आई है। पूर्व में किसी ने IGRS पोर्टल पर भी इसमें शिकायत की थी। धारा 132 की जमीन है, वो ग्राम समाज की रिजर्व लैंड है, उस पर कोई अवैध अतिक्रमण या संभवतः अवैध खनन ऐसी कोई शिकायत है, तो इसकी जांच करवा रहे हैं और जांच करवाने के बाद जो भी एज पर रूल जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। किसी भी दशा में ना तो ग्राम समाज की किसी भूमि पर अवैध अतिक्रमण होने दिया जाएगा या उसके अतिरिक्त किसी भी तरह का अन्य कोई अवैध कार्य ना हो, ये प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीयू की तैयारी आगे बढ़ रही है। अपनी सहयोगी पार्टी बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी हो रही है। बीजेपी और जेडीयू के बड़े नेता इसको लेकर अगले सप्ताह बैठक करने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक जेडीयू अगर यूपी में गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगा तो 20 सीट पर भी समझौता कर सकता है। वजह यह है कि इससे पहले भी यूपी विधानसभा चुनाव 2017 की बात की जाए या उससे पहले 2012 की बात की जाए तो जेडीयू 200 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी और लगभग 24 सीटों पर ये मजबूत दिखे थे। 2007 में बीजेपी अपना दल और जेडीयू ने मिलकर चुनाव लड़ा था, जिसमें जेडीयू 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। 20 सीट पर जेडीयू चिन्हित कर और इसी को आधार बनाकर इस बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा।
जीडीयू के राष्ट्रीय महामंत्री अशफाक अहमद खान ने बताया कि गठबंधन को लेकर बीजेपी के गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा से बातचीत हो चुकी है। प्रधानमंत्री को भी इस बारे में जानकारी दी जा चुकी है। हमारी पहली प्राथमिकता बीजेपी के साथ गठबंधन में यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने की है। यूपी जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष अनूप सिंह पटेल को यह जिम्मेदारी दे दी गई है कि वो उत्तर प्रदेश में जेडीयू के लिहाज से जो समीकरण वाली सीटें हैं उनको चिन्हित करें। जेडीयू के राष्ट्रीय महामंत्री ने बताया कि यूपी जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष अनूप सिंह जल्द ही विधानसभा क्षेत्रों का चयन करके बताएंगे, इसके बाद बीजेपी से आगे की बात की जाएगी। तो यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जेडीयू जुटी हुई है। बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने की तैयारियां भी जोरों पर नजर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि गोला तहसील में बाढ़ से बचाव कार्य के लिए 11 करोड़ रुपए खर्च किया गया, उसके बाद भी 71 राजस्व गांव, 62,000 की आबादी और 30 गांव बुरी तरह से बाढ़ से घिरे हुए हैं। 2.25 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। इस आपदा का सामना जो लोग कर रहे हैं वाकई उनको समझने की जरूरत है। सिंचाई विभाग को बाढ़ से बचाव के लिए परियोजना बनाने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री ये बातें रविवार को गोला कस्बा स्थित VSV इंटर कॉलेज के प्रांगण में आयोजित बाढ़ राहत सामग्री वितरण कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कही। उनका कहना है कि बाढ़ से बचाव के लिए 50 स्टीमर लगाए गए हैं। स्टीमरों की संख्या लगातार बढ़ाई जाए। NDRF, SDRF, PSD की फर्ड यूनिट को बचाव कार्य के लिए लगाया गया है। संस्थान की कोई कमी नहीं है। हर पीड़ित परिवार तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। पीड़ितों को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न दिया जा रहा है। राहत पैकेट में चावल, दाल, आटा, तेल, प्लास्टिक आदि पर्याप्त मात्रा में सामान दिए जा रहे हैं। साथ ही गांव-गांव में डॉक्टरों की टीम दौरा करके लोगों को बीज जलजनित और बीमारियों से बचाने के लिए दवा का वितरण भी लगातार कर रही है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव का आज आगरा दौरा है। इस दौरान सुबह करीब 11 बजे सेफई से वो आगरा के लिए रवाना हो चुके हैं। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के मित्र की मां का 2 सितंबर को निधन हो गया था, जिसके चलते अखिलेश अपने मित्र से भी मुलाकात कर सकते हैं। साथ ही सोलोनी ऑयल मिल के मालिक और वरिष्ठ सपा नेता स्वर्गीय शिव कुमार राठौर की आवाज पर भी अखिलेश यादव जा सकते हैं और परिवार के साथ शोक व्यक्त करेंगे। फिलहाल अखिलेश यादव के दौरे में कोई सियासी कार्यक्रम अभी तक तय नहीं है। तो आगरा दौरे पर अखिलेश यादव अपने मित्र के परिजनों से मुलाकात करेंगे। अखिलेश उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी के खिलाफ यूपी पुलिस ने राजद्रोह का केस दर्ज किया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी के मामले में ये FIR दर्ज की गई। रविवार को कुरैशी के खिलाफ ये कानूनी कार्रवाई की गई है। यूपी पुलिस का कहना है कि रामपुर जिले के सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में बीजेपी कार्यकर्ता आकाश सक्सेना की शिकायत पर कुरैशी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तो पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। यूपी पुलिस ने राजद्रोह का केस दर्ज किया है। दरअसल कुरैशी ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने शिकायत दर्ज कराई है और FIR अब दर्ज हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और हसनपुर से विधायक तेज प्रताप यादव ने एक नया संगठन बनाने का ऐलान कर सबको चौंका दिया। रविवार को पटना में छात्र नेताओं, युवाओं और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों के साथ बैठक के बाद तेज प्रताप ने छात्र जनशक्ति परिषद नाम से नए संगठन बनाने की घोषणा की है। तेज प्रताप का दावा है कि यह संगठन RJD को मजबूत करेगा और तेजस्वी यादव की मदद के लिए बनाया जा रहा है। तेज प्रताप ने संगठन बनाने की घोषणा के दौरान कहा कि यह संगठन राष्ट्रीय जनता दल को ही मजबूत करेगा। उनकी माने तो इस संगठन का विस्तार बिहार के अलावा बाहर भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संगठन RJD के बैकबोन के रूप में काम करेगा। तेज प्रताप ने यह भी कहा कि संगठन की बैठक RJD ऑफिस में भी की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि पिता लालू प्रसाद यादव से सलाह मशवरा के बाद उन्होंने इस संगठन का गठन किया है। उन्हें नए संगठन के लिए पिता लालू यादव का आशीर्वाद भी मिल चुका है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।